सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? इतना ग्राफ समझने के बाद यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि ये जो चेंज इन ऑक्साइड लेयर, मतलब ये जो कैपेसिटेंस में चेंज हुआ है, ये तब हो पाएगा जब ये जो चेंज इन ये जो यहाँ पे डेल्टा वी जो चेंज इन वोल्टेज हो रहा है, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर में चेंज आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी जब चेंज इन वोल्टेज हो रहा है तो उसकी वजह से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज आ रहा है। ठीक, अगर ये जो डेल्टा वी में चेंज है, डेल्टा वी में चेंज जो हो रहा है वो तो काफी धीरे धीरे, अगर हम ये चेंज करा रहे तब तो ये कैपेसिटेंस इसी तरीके से चेंज होगा, तब तो ये कैपेसिटेंस इसी तरीके से चेंज होगा एंड इसकी जो वैल्यू आएगी, मैंने एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद वापस ये सी ऑक्स डैश के बराबर हो जाएगा, इसी सी ऑक्स के बराबर। लेकिन अगर ये वेरिएशन, यानी जो डेल्टा वी का जो ये वेरिएशन है, चेंज इन वोल्टेज जो हम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा तेज कर, इसकी स्पीड जो हो वो बहुत ज्यादा हाई हो, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो पा रहे हैं, ये प्रॉपरली एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, और जो तुम्हारा अब जो कैपेसिटेंस होगा वो इस कैपेसिटेंस के बराबर नहीं। ठीक, उस टाइम पे तुम्हारा जो कैपेसिटेंस होगा वो जहां तक ये डिक्रीज हुआ था ऐसे ही ये उसी वैल्यू पे ये रुका रहे, कब, जब चेंज इन वोल्टेज काफी स्पीड में हो रहा है, काफी तेजी में अगर हम चेंज इन वोल्टेज कर रहे हैं, और जब चेंज इन वोल्टेज जो है अगर हमने काफी स्लो स्पीड में किया है तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, मीनिंग तब वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा और कैपेसिटेंस तब तुम्हारा सी ऑक्स अपॉन एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन टी ऑक्स हो जाएगा, सी ऑक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन टी ऑक्स के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये चेंज इन वोल्टेज बहुत तेज है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे और चेंज इन वोल्टेज जो यहाँ पे हमको दिख रहा है वो चेंज इन वोल्टेज नहीं होगा। ठीक है, मीनिंग ये जो ग्राफ है ये बेसिकली क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी के, ये जो ग्राफ है इन्वर्जन एरिया में जो ये ग्राफ है ये लो फ्रीक्वेंसी, इतना एरिया जो है क्या है, इन्वर्जन है, ये एरिया जो है वो डिप्लीशन है, ये वाला जो एरिया है जहां पे नेगेटिव वोल्टेज दे रखा है वो सारा क्या है, एक्यूमुलेशन। अभी लोग अब अपनी अवेयरनेस मार्क कर दो एंड इन केस इस सीवी कैरेक्टरिस्टिक में किसी को कहीं कोई डाउट हो तो वो अपना डाउट क्लियर कर। हेलो सर। हाँ बेटा। हेलो सर, केस टू में जब हम लोग डिप्लीशन लेयर को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ने देखा था सी टू की वैल्यू ई एक्स अपॉन वी डी है, तो सर जब हम लोग किसी पर्टिकुलर, मतलब जब हम लोग ने फॉर्मूले में रखा था 1/C के सीरीज में, तो हम लोग ने ई डैश को रखा था, तो जो सर ये ई डैश आएगा वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आएगा,
डैश सॉरी सर एक्स डी डैश जो आएगा ये एक्स डी डैश, हाँ एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आएगा। यहाँ पे ये जो एक्स डी डैश है ये बेसिकली वो है जब तुमने डेल्टा भी वोल्टेज दिया तो जो चेंज इन डिप्लीशन वेव चेंज होने के बाद जो टोटल डिप्लीशन वेव है वो हमने एक्स डी डैश दी थी। इनिशियली जब हमने कोई गेट वोल्टेज दिया होगा जैसे 5 वोल्ट दिया होगा तो तुम्हारी एक्स डी डिप्लीशन वेव होगी, और देन जब उसमें अगर हमने जैसे प्लस 1 वोल्ट का चेंज किया तो उसकी वजह से ये एक्स डी डैश यहाँ पे। और फर्दर अगर और वोल्टेज तुम चेंज करोगे तो तुम्हारा फिर से तुम्हारी डिप्लीशन वेव और इंक्रीज होगी, तो तुम्हारा जो डिप्लीशन वेव है वो एक्स डबल डैश हो जाएगी। यहाँ पे एक्स डी डैश करने का बस मीनिंग इतना सा था कि यहाँ पे एक्स डी डैश शो करने का मीनिंग बस इतना सा था कि हाँ जब तुमने चेंज इन वोल्टेज किया तो उस चेंज इन वोल्टेज की वजह से, अच्छा इसको भी एक्स डी डैश ही कर लो, ये भी एक्स डी डैश ही, ठीक है, जब चेंज इन वोल्टेज किया तो उसके वजह से डिप्लीशन वेव चेंज हो रही है, ये शो करने के लिए हमने केवल यहाँ पे एक्स डी डैश किया, ठीक है। और जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा यहाँ पे एक्स डी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सर ये इन्वर्जन वाला केस एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो जब तुमने जब तुम डिप्लीशन रीजन में, ठीक, तब तुम्हारा यहाँ पे एक ये रीजन बन रहा था, उसकी वजह से तुमने दो C1 और C2 देखे। फिर जब फर्दर तुम पॉजिटिव वोल्टेज को और इंक्रीज करते जाओ, लेट्स से 110 वोल्ट पे आ गए, ठीक, तो जब तुम इंक्रीज करते जाते हो तो तुम्हारा क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना ये स्टार्ट करता है। अभी तक क्या कर रहा था, केवल होल्स को रिपल कर रहा था, ठीक, अब जब और ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज मिलने लगा तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होना करना स्टार्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, इजीली इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मीनिंग SiO2 लेयर के जस्ट बिलो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। नाउ अब जो हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे वो दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था, और ये जो बिलो वाला रीजन बना ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड है वो रीजन अब तुम्हारा कंडक्टिंग है, तो हमने जो कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया है वो इस मेटल प्लेट एंड ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उस एरिया में फाइंड आउट कर, इस डिप्लीशन रीजन को हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, तो तुम्हारा कैपेसिटेंस जो था वो COx = εOxT(ox) है। देन हमने एक चीज और बताई कि अगर ये चेंज इन वोल्टेज जो है वो काफी हाई स्पीड में हो रहा हो, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, मीनिंग जो तुम्हारा इन्वर्जन वाला केस है वो प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई हाई फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा जो कैपेसिटेंस है वो वही डिप्लीशन वाला ही कैपेसिटेंस हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे देख लो कि ये जो वोल्टेज है ये जहां से कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है ये कुछ और नहीं तुम्हारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, क्योंकि इसी के बाद से तुम्हारे सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस चैनल में एग्जिस्ट करने लगेंगे और तुम्हारा चैनल क्रिएट हो जाएगा। सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी, कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस अभी नहीं मार्क किया? अच्छा